गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि कल से अस्पताल में कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है और आज फिर अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि कल ही नेताजी का डायलिसिस किया गया तो वहीं सैफई में मुलायम सिंह के सलामती के लिए पूजा पाठ किया गया। रविवार को प्राइवेट वार्ड के आईसीयू में भर्ती हुए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पूरी टीम नेताजी के इलाज में जुटी है। आईसीयू में शिफ्टिंग के करीब 24 घंटे बाद अस्पताल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया और बताया गया कि नेताजी की हालत अभी स्थिर बनी हुई है और वो फिलहाल सीसीयू में भर्ती है। आप उनसे मेदांता मुलाकात करने मुलाकात करने गए थे, क्या बात हुई थी, कुछ बोला था उन्होंने आपसे? हाँ, थोड़ा बोला था कर रखाओ, ठीक ठाक हो, घर जाओ तो घर जाओ, इस बार ज्यादा होगी थोड़ी जाते तब नहीं जाते, हम तीन चार दिन में लौट जाते भी घर लखनऊ को, तब नहीं जाते, होगी जाने पड़ा, भाई महीना खड़ा हो गया। वहीं हेल्थ बुलेटिन जारी होने से पहले अखिलेश यादव एक बार फिर से अस्पताल पहुंचे। अखिलेश के अलावा शिवपाल यादव भी नेताजी का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पूरा मुलायम परिवार मेदांता अस्पताल में मौजूद है। यादव परिवार के अलावा केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी अस्पताल पहुँच कर मुलायम सिंह यादव का हाल जाना। मैंने राजनीति गुरु है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में आए। सैफई से लेकर लखनऊ तक नेताजी के समर्थक बेचैन हैं। देश दुनिया में उनके लिए दुआओं का दौर जारी है। उधर समाजवादी पार्टी ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर कार्यकर्ताओं से अपील की है, कार्यकर्ता अस्पताल न आए, नेताजी के स्वास्थ्य की जानकारी उन्हें समय समय पर दी जाती रहेगी। मुलायम की सेहत बिगड़ने की खबर के बाद पीएम मोदी ने मुलायम सिंह की तबीयत जानने के लिए अखिलेश यादव को फोन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर संभव मदद के लिए वो मौजूद है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को फोन कर मुलायम सिंह यादव की सेहत की जानकारी ली। मुलायम सिंह यादव की तबीयत काफी वक्त से नासाज चल रही है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, उन्हें यूरिनरी और चेस्ट इन्फेक्शन भी था। वरिष्ठ डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सभी मुलायम के जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव पहले भी मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सभी को उम्मीद है कि इस बार भी वो सेहतमंद होकर घर वापस जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख में जुटी हुई है और मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि फिलहाल वो सीसीयू में एडमिट है। तो देश दुनिया में फिलहाल दुआओं का दौर चल रहा है और आइए इससे जुड़ी कुछ जानकारियां आपको देते हैं। मुलायम सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है, शहर शहर दुआओं का दौर चल रहा है, सलामती के लिए कार्यकर्ता पूजा पाठ कर रहे हैं, वाराणसी अयोध्या में भी हवन पूजन किया गया।